बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिहार में एक गांव है आथर, जहां पर अभी तकरीबन एक महीने पहले ही बिजली आई है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम उस गांव के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि दीपक ठाकुर, जी हाँ दीपक ठाकुर बिहार के आथर से ही आते हैं। और जब दिवाली स्पेशल वीक में उनसे कहा गया एक विश मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं गांव वाले मुझे टीवी पर देख पाते होंगे या नहीं, तो बिग बॉस हम यही चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी कर दें कि घर वाले और साथ ही साथ सारे गांव वाले मुझे टीवी पर देख पाए। तो बिग बॉस ने दीपक ठाकुर की इस विश को कम्प्लीट किया और वो पहुँच गए दीपक ठाकुर के गाँव आथर। वहाँ पर एक महीने पहले ही बिजली आई है और साथ ही साथ दीपक के घर वालों के लिए एक टीवी, बिजली की व्यवस्था की गई है। और सलमान खान ने दीपक के घर वालों से बातचीत की और साथ ही साथ सारे गांव वालों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, दीपक ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं। सब कहते हैं कि काफी खुश हैं, एक महीने पहले ही बिजली आई है और अब तो गाँव में टीवी भी है, दीपक को आराम से टीवी पर देख लेते हैं। खुशी है कि दीपक वहाँ पे खुश है। उनकी मम्मी कहती हैं, उसके हाथ में पट्टी बंधी देखी तो दुख हुआ, रोने लगी थी मैं। तो सलमान खान उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, परेशान मत होइए, आपका बेटा ठीक है, फालतू में पट्टी लगा के घूम रहा है। दीपक ठाकुर के परिवार वालों और सारे गांव वालों ने सलमान खान और बिग बॉस का शुक्रिया अदा किया इतना कुछ करने के लिए। इसके बाद सलमान खान जब घर वालों से बातें करते हैं तो बताते हैं, दीपक हमने आपके घर वालों से बात की है, सब खुश हैं। तुम्हें लग रहा था ना कि घर वाले पता नहीं टीवी पे देख पाते होंगे या नहीं तुम्हें, तो बता दें कि एक महीने पहले ही बिजली आ चुकी है और सारे गांव वाले टीवी पर तुम्हें देख भी पाते हैं और उन्हें लगता है कि तुम जीत के ही जाओगे। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।